हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग चैप्टर का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बना हुआ है, प्लीज जरूर देख लीजिए उस पार्ट को, काफी अच्छा लगेगा। पार्ट टू में हमने क्या क्या पढ़ना है? पार्ट टू में हम सेंट्रल बैंक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सो इंट्रो ऑफ द सेंट्रल बैंक। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, और फिर हम देखेंगे डिफरेंस जो किसके बीच में, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक होता है एपेक्स बैंक, जो कि पूरी की पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपको पता है हमारे देश में कितने बैंक है, कितने कमर्शियल बैंक है, पब्लिक बैंक है, पब्लिक कमर्शियल बैंक है, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, प्राइवेट बैंक है, HDFC हो गया, ICICI हो गया, फॉरन बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है। इन सभी बैंक का कंट्रोल किसके अंडर है? RBI के अंडर है। ओके, क्योंकि आरबीआई इंडिया का क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अब आरबीआई कब फॉर्म हुआ था? आरबीआई फॉर्म हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, और ये कमेंस कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अब इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। इसका बेसिकली जो सजेशन है वो हिल्टन यंग कमीशन 1926 में हुआ था फॉर्म। तो उसमें एक सजेशन दिया गया था कि एक कंट्री में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए जो पूरे के पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? मिस्टर ऑस्बोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर मिस्टर सीडी देशमुख। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। देखिए, नेशनलाइजेशन से पहले मतलब 1935 से लेके टिल 31 दिसंबर 1948 तक आरबीआई जो था वो प्राइवेट था, मतलब शेयर होल्डर्स जो थे आरबीआई को कंट्रोल करते थे। बट आफ्टर दिस नेशनलाइजेशन प्रोसेस ऑन 1 जनवरी 1949 आरबीआई अब किसके अंडर आ गया? आरबीआई की जो ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई। अब गवर्नमेंट ही पूरे का पूरा इस आरबीआई को क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी। करंट गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांता दास। ये रहे मिस्टर शक्तिकांता दास, जो कि हमारे करंट आरबीआई के गवर्नर है। अगला टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहला जो मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको फंक्शन कई लोग कह देते हैं, दैट इज बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट। आपको पता है कि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है इशू करने की नोट्स। जो भी नोट आरबीआई इशू करता है उनको कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। मैं ये मनी चैप्टर में आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब समझा चुका हूं। एक बार मैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब समझा देता हूं। मतलब कितनी भी अमाउंट की जो नोट्स है वो हम इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कॉइन के केस में क्या होता है कि कॉइन के केस में होता है कि 1000 से ज्यादा तक अगर हमें कॉइन को दे रहा है तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं कि हम उसका पेमेंट कॉइन में नहीं लेंगे, बट नोट के केस में ऐसा नहीं है। आरबीआई जो है वो सारे के सारे नोट इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स। अब ये 1 रुपी नोट देखो कौन इशू करता है। आप अगर कंपैरिजन करोगे अपनी पॉकेट में से नोट निकाल के देखो तो 10 का, 20 का, 100 का, 50 का कोई भी नोट देखोगे वहां पे, यहाँ पे आरबीआई लिखा होगा, बट यहाँ पे 1 रुपी नोट पे देखो क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो नोट है 1 रुपी नोट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ये फाइनेंस, ये सेक्रेटरी के साइन है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो दैट मीन जितने भी कॉइन्स है और 1 रुपी नोट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल है, और जो बाकी सारे नोट्स हैं 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोट, ये कौन इशू करता है? ये आरबीआई इशू करता है। ओके, अब आरबीआई के पास अथॉरिटी है, मोनोपोली है नोट इशू करने की। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि देखो जी आरबीआई के पास तो खुद की मशीन लगी हुई है, तो क्या आरबीआई देश की जो गरीबी है वो खत्म नहीं कर सकता? नोट छापते रहे, अनलिमिटेड अमाउंट में नोट छापते रहे, तो क्या उससे देश की गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी? सबको सूटकेस भर भर के पैसे बांट दो, एक एक करोड़, दो दो करोड़ रुपया दे दो, बट इससे क्या होगा? और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट समझाता हूं। मान लो सपोज आप अपने रिश्तेदार के घर बिन बुलाए चले जाओ, जाते रहो, रोज जाते रहो, रोज जाते रहो, तो आपका वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली बात है आपका वैल्यू कम हो जाएगा। उसी तरह करेंसी के केस में भी ऐसा ही है। करेंसी की डिमांड ज्यादा नहीं है बट आप अनलिमिटेड उसको सप्लाई करी जा रहे हो, सभी को नोट्स प्रोवाइड करी जा रहे हो, तो उससे जो करेंसी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड, कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इन द मार्केट, आरबीआई उस अकॉर्डिंगली जो करेंसी है वो प्रिंट करता है। अनलिमिटेड करेंसी वो भी प्रिंट नहीं करते, ऑल्दो दे हैव द अथॉरिटी कि जितनी मर्जी चाहे वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। और बेसिकली देखो इनको रेगुलेट करने के लिए क्यों कहा है करेंसी को? बिकॉज लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर देखो मान लो सपोज 4-5 इंस्टीट्यूट ऐसे हो जो करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हो, तो लोगों का कॉन्फिडेंस क्या बनेगा? अब आरबीआई का पता है कि हाँ आरबीआई करेंसी को सर्कुलेट कर रहा है, आरबीआई करेंसी को रेगुलेट कर रहा है,
तो लोगों का कॉन्फिडेंस है कि चलो ठीक है, एक ही अथॉरिटी है जो सारी करेंसी को मेंटेन कर रही है, और साथ ही साथ दे विल सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द इकोनॉमी। जितना पैसे का डिमांड होगा इकोनॉमी में उतना ही वो सप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का बैंक। अब इसमें भी तीन फंक्शन आ रहे हैं, इट एक्ट एज अ बैंकर। अब बैंकर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने जो भी अकाउंट है वो कहां पे ओपन करती है, आरबीआई में। गवर्नमेंट ने जो भी लोन लेना है वो किससे लेती है, आरबीआई से। जैसे मान लो सपोज जो इंडिविजुअल्स है वो डायरेक्टली कहां पे जाते हैं, कमर्शियल बैंक में जाते हैं। हमारे लिए पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक क्या है, बैंक्स है, कमर्शियल बैंक है। हम यहाँ पे अपने डिपॉजिट रख सकते हैं, अगर हमें लोन की रिक्वायरमेंट है हम अपने लोन ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट के केस में जो इनका बैंकर है वो कौन है, आरबीआई है। साथ ही साथ दे ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उसकी बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। दैट इज वाई देर ऑल्सो कॉल्ड एज एन एजेंट। आपने कभी अपनी लाइफ में सुना होगा कि एलआईसी का एजेंट है, एलआईसी का एजेंट क्या करता है, एलआईसी की जो पॉलिसीज है वो बेचता है। उसी तरह गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो कौन बेचता है, वो खरीदता बेचता कौन है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है काफी फाइनेंशियल मैटर्स पे, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं उन पे एडवाइस करता है कि आपको अपनी पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए, आपको खर्चा कितना करना चाहिए, आपको टैक्स कंट्रोल करने चाहिए नहीं। लाइक रिसेंटली अभी भी जब आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल का रेट्स बहुत बढ़ रहा है, आरबीआई ने सजेशन दिया था गवर्नमेंट को कि इकोनॉमी की जो ग्रोइंग स्पीड है वो कम हो जाएगी अगर आप इस पेट्रोल और डीजल पे टैक्स जो है वो कम नहीं करोगे। तो वो सजेशन जो है वो आरबीआई एज एन एडवाइजर जो है उसको प्रोवाइड करता रहता है। अगला हमारा फंक्शन इंपॉर्टेंट आता है आरबीआई का, दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जैसे हमारा बैंक पीएनबी वगैरह हो गया, वैसे पीएनबी वालों का बैंक क्या है, आरबीआई। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है उनको उनके जो डिपॉजिट्स है, अब पीएनबी अपना डिपॉजिट कहां पे रखेगा, आरबीआई में। एसबीआई अपना डिपॉजिट कहां रखेगा, आरबीआई में। ओके, और अगर इनको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तब भी ये आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई से लोन्स लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात समझो कि हमारा बैंक, ये जो कमर्शियल बैंक हम देखते ही हैं हमारे एरियाज में काफी कमर्शियल बैंक्स हैं, तो इन कमर्शियल बैंक का बैंक भी कौन है, वो आरबीआई। मतलब दैट मीन द फादर ऑफ ऑल द बैंकिंग सिस्टम। देन अलॉन्ग विद दैट क्लियरिंग हाउस फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ क्लियरिंग हाउस फंक्शन की फैसिलिटी क्या होती है। साथ ही साथ जो भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है उसको सुपरवाइज करने का काम किसका है, वो सेंट्रल बैंक का है। सुपरविजन कैसे, देखो आरबीआई ना काफी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, काफी डायरेक्टिव्स देता है, जैसे कि आपने सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है। सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए जरूरी होता है। ये कौन कहता है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस के बेसिस पे ये सारी चीजें चलती है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देखिए जब भी कभी किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इनको किसी भी सिचुएशन में किसी से भी पैसा नहीं मिलता, मान लो सपोज कोई बैंक है एचडीएफसी है, एचडीएफसी को फंड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गई, एचडीएफसी पीएनबी के पास गया, एचडीएफसी एसबीआई के पास गया, यूनियन बैंक के पास गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक थे उनके पास सभी के पास चल गया, बट एचडीएफसी को पैसा नहीं मिला। अब जब उनको पैसा नहीं मिला तो फाइनली वो किसके पास जाएंगे, फाइनली तो पिताश्री के पास ही जाना पड़ेगा जो आरबीआई है। तो आरबीआई को वो क्या कहेंगे कि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई इनको पैसा प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा बाय कीपिंग अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखेंगे अपने पास सिक्योरिटीज के बेसिस पे और उनको जो लोन है वो प्रोवाइड कर देगा। अब आरबीआई ऐसा क्यों करता है, बिकॉज देखिए आरबीआई एज यू नो इज द रेगुलेटर। मतलब आरबीआई जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। उनका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मान लो किसी भी बैंक में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो बैंकिंग सिस्टम हमारे इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। अगर किसी भी बैंक में दिक्कत आई, अगर किसी भी बैंकिंग सिस्टम में खराबी आई तो जो पब्लिक का इंटरेस्ट है बैंक से वो खत्म हो जाएगा, लोग दूसरे बैंक से भी अपना पैसा निकलवाना शुरू कर देंगे और उसी तरह से जो डिपॉजिट्स होंगे वो बैंक में कम होने लग जाएंगे और जब डिपॉजिट बैंक में कम होंगे तो लोन्स भी क्या दिए जाएंगे, कम दिए जाएंगे। तो इस तरह का सेटबैक ना रहे, मनी मार्केट स्टेबल रहे, इसलिए जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट जो फंक्शन है वो आरबीआई परफॉर्म करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
अलग अलग तरह की फॉरेन करेंसी हम होल्ड करके रखते हैं, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, युआन हो गया, अलग अलग काफी करेंसीज है। तो उनको क्यों होल्ड करके रखना पड़ता है? बिकॉज आपने जो भी चीजें इंपोर्ट करनी है, फॉरेन से खरीदनी है, उसकी पेमेंट इन फॉरेन करेंसीज के थ्रू होती है। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। मतलब आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और आपने एक्सपोर्ट कम किया, मतलब आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, और पेमेंट जाने ज्यादा करनी पड़ेगी तो वो एडवर्स हो गया सिस्टम। तो उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में, वैसे ये वाला जो पॉइंट है, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो टॉपिक है जिसमें हमने करेंसी के बारे में पढ़ना है, मैनेज फ्लोटिंग के बारे में पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा इजिली आपको पता लगेगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आपको बस इतना ही पता करना है कि आरबीआई की तिजोरी में ये सारे के सारे जो फॉरेन करेंसीज है वो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब इस क्लियरिंग हाउस फंक्शन को समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमारे पास दो बैंक है, एक है पीएनबी और एक है एसबीआई। अब आपको पता है कि एसबीआई और पीएनबी, इनके जो अकाउंट है वो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। मतलब एसबीआई भी अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराता है, और पीएनबी भी अपना पैसा किसके पास जमा कराता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब मान लो सपोज एसबीआई में एक चेक इशू हुआ इन फेवर ऑफ पीएनबी, मतलब एक चेक था वो पीएनबी के कस्टमर को जाना था, मतलब पीएनबी के अकाउंट में कितने पैसे जाने थे? 10,000 रुपए जाने थे। किसके थ्रू? एसबीआई के थ्रू। और सिमिलरली पीएनबी के कस्टमर ने एक एसबीआई के नाम का चेक इशू किया, मतलब एक कस्टमर था जिसका अकाउंट एसबीआई में था, वो कितना था? 5,000 रुपीज का चेक था। मतलब एसबीआई से पीएनबी में कितने जाने थे? 10,000 रुपए जाने थे, और पीएनबी से एसबीआई में कितने जाने थे? 5,000 रुपए जाने थे। आरबीआई कहता आप ये क्या झंझट में पड़ रहे हो, ठीक है, 10,000 रुपए एक जगह जा रहे हैं पहले जा रहे हैं, फिर 5,000 रुपए जा रहे हैं, ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कहता है कि देखो एसबीआई वालों को कहता है कि मेरे पास आपका पैसा पड़ा है, पीएनबी वालों को भी कहता है कि मेरे पास भी आपका पैसा पड़ा है, तो हम इसको सेटल कर देते हैं यहीं पे। सेटल कैसे होगा? कि 10,000 रुपए एसबीआई ने देने हैं, 5,000 रुपए पीएनबी ने देने हैं, तो बैलेंस कितना बचा? 5,000 रुपए। मतलब ज्यादा पैसे पीएनबी के पास जाने थे, तो एसबीआई के अकाउंट से ट्रांसफर करके सीधा सीधा काम पे पहुंचा दो, 5,000 रुपए पीएनबी के अकाउंट में डलवा दो। इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। देखिए सिंपल सी बात है कि जो डिपॉजिटर है वो अपना पैसा बैंक में जमा कराता है, उनकी हार्ड अर्न मनी होती है, तो उनको एक डर सा रहता है कि कहीं बैंक डिफॉल्ट ना कर जाए, बैंक डूब ना जाए। तो उसके लिए जो आरबीआई वो लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बैंक जब फेलियर में हो तो जो उनके डिपॉजिटर्स हैं उनका कुछ ना कुछ जो प्रोटेक्शन है वो मिले उनको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जो कि बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि आरबीआई का सबसे ज्यादा, आरबीआई का सेंट्रल बैंक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो एक्सपेंशनरी होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्शनरी होना चाहिए, क्या मनी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आरबीआई देखेगा। मतलब आरबीआई इन इंडिया केस, वैसे सेंट्रल बैंक जो भी है, जिस भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करेंगे क्रेडिट को। इंडिया के केस में अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने एक टारगेट रखा हुआ है इन्फ्लेशन का 4% विद 2% बैंडविड्थ। 2% प्लस भी जा सकते हैं, मतलब 6%, और 2% माइनस में भी जा सकते हैं, मतलब 2% टू 6% का एक बैंडविड्थ था। मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको 2% से लेके 6% तक कंट्रोल करके रखना है। तो सारी की सारी जो कंट्रोलिंग है क्रेडिट की वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से थोड़ा करता है, उनके पास काफी टूल्स हैं, उनके पास क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, उनके पास क्वालिटेटिव टूल्स हैं, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारा का सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली इन चीजों को समझना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझ सको कि किस तरह से आरबीआई जो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी से इस चीज को कंट्रोल करता है। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आगे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं, देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग, सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स बैंकिंग बॉडी है, मतलब कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं वो उनको कौन कंट्रोल करता है? वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और कमर्शियल बैंक क्या करता है? ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिटर से और लोन एडवांस करते हैं बोरोअर्स को। ओके, हमने पॉइंट देखा था कि कचरा सेठ ने अपना कुछ पैसा जमा किया एसबीआई में
और एसबीआई ने वही पैसा यूज करके किसको प्रोवाइड कर दिया, बॉरोअर्स को प्रोवाइड कर दिया, बॉरोअर्स लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। तो ये कमर्शियल बैंक के काम है। मोटिव क्या होता है? सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव है कि देश में ग्रोथ और स्टेबिलिटी के फोकस करे, वेयर एज कमर्शियल बैंक, देखो नाम से ही पता है कमर्शियल है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस करेंगे। पब्लिक डीलिंग में इनकी इनडायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है, बट कमर्शियल बैंक की डीलिंग डायरेक्ट होती है। इस बार का जो सैंपल पेपर आया सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डीलिंग डायरेक्टली होती है? नो, आंसर इज इनकरेक्ट, वो इनडायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करते हैं। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। देन ओनरशिप, ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। वेयर एज कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेट ओनरशिप भी है और पब्लिक ओनरशिप में, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है उनकी, और प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास ओनरशिप है। लाइक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट बैंक से हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, वेयर एज प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे प्राइवेट बैंक है। फॉरन करेंसी, नाउ दे आर द कस्टोडियन एज वेल एज रेगुलेटर। कस्टडी भी है इनके पास काफी ज्यादा, तिजोरी में पैसे पड़े हुए हैं, फॉरन करेंसीज पड़ी हुई हैं, और रेगुलेट भी करते हैं। अगर मान लो रेट में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी आ जाए उसको भी कंट्रोल करते हैं। फॉरन एक्सचेंज चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग फॉर प्रॉफिट, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बाइंग एंड सेलिंग करते जरूर है फॉरन करेंसी की, बट किस मोटिव के लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। नोटिंग इशूइंग अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है, बिल्कुल है। 2000 तक के जो नोट है वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। वेयर एज जो कमर्शियल बैंक है उनके पास कोई नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। एक मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं, देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाइए। एक है सेंट्रल बैंक, वो कौन सा है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपने कभी सुना होगा एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है। अगर अकेला सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है तो वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो वो कौन सा है? एक कमर्शियल बैंक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो अवेलेबल होते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।